अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल में देख भी रहे होंगे कि करंट अफेयर्स अड्डा, डेली करंट फॉर वन डे एग्जाम, यूपी टीपीएससी एग्जाम, यूपीपीएससी, यूपीएसआई, रेलवे, बैंक एग्जाम एक्सेट्रा, सभी एग्जाम के लिए जानते भी होंगे कि आपको डेली करंट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल उसका होता है। तो आज की करंट क्या है, चलिए उसको देख लेते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करेंगे, दोस्तों को भी शेयर करें जिससे सभी तक पहुंच सके, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, देखिए पहला है आज 26 सितंबर करंट अफेयर्स में, पहला पॉइंट है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहे नासा के ओसिरिस रेक्स मिशन, हाल ही में चर्चा में रहे नासा के ओसिरिस रेक्स मिशन का संबंध जो है किससे है, क्षुद्र ग्रह से है, ठीक है ना। ओसिरिस रेक्स मिशन का संबंध किससे है, क्षुद्र ग्रह से है, और यह नासा के द्वारा 2016 में लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। यह कब लॉन्च किया गया था, नासा के द्वारा 2016 में लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 25 दिसंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम फार्मा सेक्टर हेल्थ केयर को मजबूत कर रहा है। नेक्स्ट है, उन्नीसवें एशियाई खेलों में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक 10 मीटर एयर राइफल में हासिल किया है, ठीक है ना। 19वें एशियाई खेलों में जो है भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक किसमें हासिल किया, 10 मीटर एयर राइफल। और इसमें 3 खिलाड़ी हैं, ऐश्वर्य तोमर, रुद्रांश पाटिल और दिव्यांश पवार, ठीक है ना। ऐश्वर्य तोमर, रुद्रांश पाटिल, दिव्यांश पवार। और साथ में भी जान लीजिए कि इसमें जो है कोरिया गणराज्य सेकंड स्थान पर रहा, ठीक है ना, कोरिया गणराज्य जो है सेकंड स्थान पर रहा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में युद्धक टैंक मर्कवा मार्क 6 का अनावरण कहां हुआ, इसराइल में, ठीक है ना। युद्धक टैंक मर्कवा मार्क 6 का अनावरण इसराइल में हुआ। चलिए आगे देखते हैं, न्यूयॉर्क में वैश्विक दक्षिण के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहला प्रारंभ किया गया, ठीक है। यूएन की स्थापना 1945 में, इसके वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस जो कि पुर्तगाल के जो है निवासी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के अनुसार भारत के 75% गांव ODF प्लस का दर्जा प्राप्त किया है, और ये भारत के पहले ऐसे मंत्री हैं कि जिनके कार्यकाल में ऐसा हुआ है। तो जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के अनुसार जो है भारत के 75% गांव जो है ODF प्लस का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं, और ये भारत के पहले ऐसे मंत्री साबित हुए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक पद पर विवेक भसीन बने, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक कौन बने, विवेक भसीन। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर जो है
एमएच में है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में कर्मा पूजा महोत्सव झारखंड में मनाया गया। वैसे झारखंड में ही कर्मा पूजा महोत्सव मनाया जाता है, इसके अलावा ये बिहार में भी मनाया जाता है। और इसको मनाने वाले कौन होते हैं? जनजातियाँ होती हैं, चलिए जान लेते हैं। और यह महोत्सव जो है भाई बहन का प्यार हुआ, कर्म वृक्ष की पूजा इसमें होती है, ठीक है। और इस महोत्सव को मनाने वाली जनजातियों में बेंगा, जोराव, मझवार, ये तीन जनजातियाँ आती हैं। और यह महोत्सव बिहार में भी मनाया जाता है, ठीक है। तो कर्मा पूजा महोत्सव जो है झारखंड में मनाया गया, और ये भाई बहन का प्यार हुआ, कर्म वृक्ष की पूजा हुई, और इस महोत्सव को बेंगा, जोराव, मझवार जनजात मनाते हैं। और यह महोत्सव बिहार में भी मनाया जाता है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने समुद्री मछली सी रॉबिन्स की एक नई प्रजाति खोजी है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने समुद्री मछली सी रॉबिन्स की एक नई प्रजाति खोजी है, और कहाँ खोजी है? पश्चिम बंगाल में। तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने समुद्री मछली सी रॉबिन्स की नई प्रजाति पश्चिम बंगाल में खोजी है। और खास बात यह है कि इस मछली का जो सिर होता है वह हड्डीदार होता है और नुकीले, रीढ़ की हड्डी नुकीली होती, ठीक है। और यह मछली ट्राइलिडे परिवार से आती है, ठीक है। यह मछली जो है ट्राइलिडे परिवार से आती है। तो भारतीय सर्वेक्षण ने समुद्री मछली सी रॉबिन्स की नई प्रजाति खोजा। कहाँ खोजा? पश्चिम बंगाल में। और इस मछली की विशेषता यह है कि सिर इसका जो है हड्डीदार और नुकीली रीढ़ की हड्डी वाली ये मछली है, और ये मछली ट्राइलिडे परिवार की है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में कला क्रांति मिशन लॉन्च किया गया, ठीक है ना। हाल ही में कला क्रांति मिशन लॉन्च किया गया, और यह मिशन कहाँ लॉन्च किया? पश्चिम बंगाल में। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? कि रविन्द्रनाथ टैगोर सॉफ्ट पावर को बढ़ावा देना, कला संस्कृति की को उन्नत प्रदान करना, इस क्रांति का मुख्य मिशन या उद्देश्य, ठीक है ना। तो हाल ही में पश्चिम बंगाल में कला क्रांति मिशन लॉन्च किया गया, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर सॉफ्ट पावर को बढ़ावा एवं कला संस्कृति की उन्नत प्रदान करना इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य रहा, ठीक है। तो ये आज की करंट रही, और नेक्स्ट डे में नेक्स्ट डे की करंट देखेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ में आपको बता दें कि आपको इस चैनल पर जीके जीएस भी मिल जाएगी, और साथ में अन्य एकेडमिक कोर्सेज भी आपको उपलब्ध हैं। यहाँ कोई भी जॉब से रिलेटेड जो है ऑथेंटिक न्यूज़ अपडेट भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो बस इतना ही। प्लीज़ यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और चैनल पर नए हों तो रिक्वेस्ट है भाई, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको डेली की करंट
मिलती रहे। ओके, थैंक यू।